गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेटेड भारत। आज है 20 अप्रैल, डे है सैटरडे और आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? 142, 144, 140 या 138? तो इसका सही उत्तर है सी, 140। 140वीं रैंक प्राप्त हुई है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को। और इसमें जो फर्स्ट नंबर पे रहा है वो रहा है नॉर्वे। नॉर्वे फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे फिनलैंड, थर्ड पे स्वीडन। तो आपको ये तीनों ही रैंक पता होनी चाहिए। लास्ट ईयर जो भारत का रैंक था वो 138 था और दिस ईयर भारत का रैंक 140 हो गया है। और सबसे लास्ट रैंक आई है तुर्कमेनिस्तान की, सबसे लास्ट में आया है तुर्कमेनिस्तान। और फर्स्ट पर जो आया है नॉर्वे, तो नॉर्वे के बारे में देख लेते हैं। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, नॉर्वे की करेंसी है क्रोना और नॉर्वे के पीएम है एरेना सोलवा। इतना आपको पता होना चाहिए नॉर्वे के बारे में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अपतटीय पवन ऊर्जा और नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र के सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? बोलिविया, डेनमार्क, रूस या फ्रांस? तो इसका सही उत्तर है बी, डेनमार्क के साथ। भारत ने अपतटीय पवन ऊर्जा और नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब यहाँ पे हमने बात की डेनमार्क की, तो डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन और यहाँ की जो करेंसी है वो है डेनिस क्रोन। तो इतना याद रखिए आप डेनमार्क के बारे में। और यहाँ पे कुछ और भी सहयोग पर हम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो देख लेते हैं हम कौन से हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए भारत और ब्राज़ील के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। चिकित्सा और होम्योपैथी के क्षेत्र में भारत और बोलीविया के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। और संचार के क्षेत्र में भारत और कंबोडिया, और संयुक्त डाक टिकट के लिए भारत और दक्षिण कोरिया के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के नज़रिए से, पूरे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले एक दशक में किंगफिशर एयरलाइन के बाद अपनी सेवाएं बंद करने वाली दूसरी बड़ी विमानन कंपनी कौन सी बन गई है? स्पाइस जेट, एयर एशिया, जेट एयरवेज या इनमें से कोई नहीं? तो उसका सही उत्तर है सी, जेट एयरवेज। पिछले एक दशक में किंगफिशर एयरलाइन के बाद जेट एयरवेज ने भी अपनी सेवाएं बंद कर दी है। इस पर ऑलरेडी बैंक का बहुत सारा ऋण था और अब बैंकों ने इसे ऋण देने से इनकार कर दिया था क्योंकि और ज़्यादा कर्ज में दब जाती, इसीलिए इसने अपनी सेवाएं बंद कर दी है। तो जेट एयरवेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम के नज़रिए से, जेट एयरवेज ने अपनी सेवाएँ बंद कर दी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने रावण वन नामक अपना पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया? थाईलैंड, इंडोनेशिया, जापान या श्रीलंका? तो उसका सही उत्तर है डी, श्रीलंका ने अपना पहला उपग्रह या पहला सैटेलाइट जिसका नाम रखा है रावण वन उसे लॉन्च किया है। इसने इसे यूएसए के वर्जीनिया से लॉन्च किया है। ये भी हमें याद रखना होता है कि कहाँ से किया है, तो यूएसए के वर्जीनिया से रावण वन श्रीलंका ने प्रक्षेपित किया है। अब यहाँ पर हमने बात करी श्रीलंका की, तो श्रीलंका देख लेते हैं। श्रीलंका का कैपिटल है कोलंबो और एक और कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरम कोटे। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकियन रुपी और यहाँ के पीएम है रॉनिल विक्रमसिंघे और श्रीलंका के प्रेसिडेंट है मैत्रीपाला सिरीसेना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7वां अंतर्राष्ट्रीय चीन प्रौद्योगिकी मेला का आयोजन कहाँ किया गया? संघाई, बीजिंग, झांगझाऊ या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है ए, संघाई में अंतर्राष्ट्रीय चीन प्रौद्योगिकी मेला का आयोजन किया गया। इसमें टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन से रिलेटेड एग्जीबिशन थी ये, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती है एग्ज़ाम के नज़रिए से, ये संघाई में की गई है। तो चीन प्रौद्योगिकी मेला था, तो हम चीन के बारे में जान लेते हैं। चीन की कैपिटल है बीजिंग, चीन में चलने वाली करेंसी है रेनमिनबी और यहाँ के प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला को ब्रिटेन रॉयल सोसाइटी लंदन का सदस्य नियुक्त किया गया? नवजोत कौर, गगनदीप कंग, पी पी बारिया, सोनम पटेल? तो इसका सही उत्तर है बी, गगनदीप कंग को
भारतीय वो पहली भारतीय महिला हैं जिन्हें ब्रिटेन रॉयल सोसाइटी लंदन का सदस्य नियुक्त किया गया है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये पहली भारतीय महिला रही हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉयचे बैंक ने भारत में नए CEO के रूप में किसे चुना गया है? रवनीत गिल, कौशिक सपारिया, आशीष चौहान या विजय केशव? तो इसका सही उत्तर है बी, कौशिक सपारिया को डॉयचे बैंक के भारत के में नए CEO के रूप में चुना गया है। डॉयचे बैंक इसका जो हेड क्वार्टर है ये भी हमें देखना है, डॉयचे बैंक वाला, क्योंकि कुछ भी पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में तो हमें पता होना चाहिए सारी चीज़ें। तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो है जर्मनी में। डॉयचे बैंक या ड्यूज बैंक जिसको हम कह सकते हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? जर्मनी में स्थित है, जर्मनी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमलो बाउबे किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? म्यांमार, माली, भूटान या अफगानिस्तान? तो सही उत्तर है बी, माली। सोमेलो बाउबे माली के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, नाम दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि ये कहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ये कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हमने बात की माली की, तो माली देख लेते हैं। माली का कैपिटल है बमाको और यहाँ चलने वाली करेंसी है बेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNMISS के तहत किस देश ने 150 भारतीय शांति रक्षकों को उनकी सेवा के लिए सम्मान पदक प्रदान किए? दक्षिणी सूडान, क्रोएशिया, भूटान या नेपाल? तो इसका सही उत्तर है ए, दक्षिणी सूडान। UNMISS इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सूडान, उसके लिए 150 भारतीय शांति रक्षकों को सम्मान पदक प्रदान किए हैं दक्षिण सूडान ने, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब कल का जवाब देख लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था, हाल ही में गूगल ने अपने पहले अफ्रीकी AI लैब का अनावरण कहाँ किया? इथियोपिया, तंजानिया, घाना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर था सी, घाना। गूगल ने हाल ही में अफ्रीकी AI लैब का घाना में अनावरण किया। चलिए आज का सवाल देख लेते हैं। आज का सवाल है, 2020 में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत, भूटान, सऊदी अरब या चीन? इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ इसे शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।